ड्राइवर का बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, औकात उसकी छोटी ही रहती। जनाब की बात बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी, ये हमारे लायक ही नहीं है। एंड यहाँ पे मैं विवेक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। या प्रिया, या देखा मैंने तेरा पिक्चर, बट यू नो ऑलवेज मेरे सेल्फीज तेरे सेल्फी से ज्यादा बेटर होते हैं। आई कैन प्रूव यू दैट। हाँ, अभी भेजती हूँ तुझे मेरा पिक्चर। या प्लीज आराम से चलाओ ना, मेरा फोकस जा रहा है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। पापा भी ना, जिंदा बेटे, तुमने हाफ ईयर एग्जाम में टॉप किया है, तुम्हारी नई कार तो पक्की। नई कार तो भेजी नहीं, ऊपर से नया स्टूपिड ड्राइवर भेज दिया है। हेलो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ना तो मैं ड्राइवर हूँ और ना ही स्टूपिड, सो माइंड योर टंग। ओ माय गॉड, लुक एट हिज एटीट्यूड। लिसन, आई नो यू आर अ ड्राइवर, डैड ने बताया कि तुम श्याम अंकल के बेटे हो। तो किसी किताब में लिखा है कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनेगा। वैसे मैडम, ड्राइवर्स भी इंसान होते हैं। अगर तुम ड्राइवर नहीं हो तो डैड ने क्यों भेजा तुम्हें ये गाड़ी लेके? क्योंकि मेरे बाबा तुम्हारे बाबा को लेकर बीकानेर गए हैं, और इसे अपना गुड लक समझो कि एक टॉप इंजीनियर तुम्हें घर ड्रॉप कर रहा है। ओ हेलो, इतने नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड या, अगर तुम इंजीनियर हो ना, जस्ट अ सेकंड, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, अभी पता चल जाएगा कितने बड़े इंजीनियर हो। That's it. Yeah, that's it. By the way, ये problem मेरी teacher भी solve नहीं कर पाई थी। तुम क्या करोगे? 5 minutes. Maximum 4.5 minutes. But मुझे क्या मिलेगा? Kiss. अगर तुमने ये problem 4.5 minutes में solve कर दी ना, तो I'm gonna kiss you. Okay? सॉरी यार, फोकस फोकस फोकस, कॉन्सेंट्रेट करो यार, बहुत स्मार्ट हो तुम। 1 minute, टिक टॉक। ओ आई एम सो सॉरी, तुम्हें डिस्टर्ब हो गया ना मेरी वजह से। तुम तो कितने अच्छे से सॉल्व कर रहे हो ना, यू आर वेरी स्मार्ट। हाँ सॉरी। Well, 2 minutes हो गए, but problem solve नहीं हुई ना। It's okay, तुम्हारे पास 2.5 minutes और है। करो। Three minutes, 15 seconds. शर्मिया है इश्क की शैतानिया, किसकी मजाल कोई रोक दे, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क जुनू रुके नहीं। गुस्ताखी
आपके। वेट, शर्मिया बर्बादिया है इश्क की शैतानिया, किसकी मजाल कोई। वृंदा राठौर कुछ भी कर सकती है, मैं अपने वर्ड से बैक ऑफ नहीं कर सकती। जुनू रुके नहीं है बावरी ये आशिकी, गुस्ताख से ये आशिकी, बेखौफ से ये आशिकी। इट्स ओके बेटा, रिलैक्स। रिलैक्स मॉम, आप जानते हो कि डैड को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेंगे वो। खंबा गणी आंटी। गणी खंबा। क्या हुआ आंटी, ऑल वेल? इससे वास टूट गया। पापा ने ना वो ऑक्शन में खरीदा था और इनका फेवरेट था, 2.5 लाख का था, और अब तो मुझे मेरी न्यू कार भी डेफिनेटली नहीं मिलेगी। और ये सारा गुस्सा मुझ पर निकालेंगे। वैसे सॉरी टू से आंटी, बट आप में इतनी सी भी बिजनेस सेंस नहीं है। 2.5 लाख के वास के लिए आप एक करोड़ों की स्माइल वेस्ट कर रही हैं। दुनिया में दो ही चीजें तो हैं देखने लायक, एक मेरी आंखें और दूसरी आपकी स्माइल। चुप पागल, ये बताइए मिठाई क्यों लाया? वो आंटी आज ही मेरा माला। वृंदा, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया। क्या हुआ? ये वाज किसने किया? ये अरे कुछ पूछ रहा हूं मैं। सॉरी अंकल, एक्चुअली मैं गलती से इससे टकरा गया। और गलती? जानता है कितनी महंगी गलती की है तूने? पूरे 2.5 लाख की। एक्चुअली अंकल, आज ही आपकी कंपनी में मेरा जॉब लगा है एज एन इंजीनियर। मैं हर महीने अपनी सैलरी से कुछ पैसे कटवा। शट अप! के हुआ हुकुम? मिठाई खाओ। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरे पास नौकरी करने की जरूरत है। तो काहे कह रहे हो हुकुम? ड्राइवर हूं, नौकरी छोड़ूंगा तो कथे जाऊंगा, के करूंगा? एग्जैक्टली। अब ये बात तुम इससे समझो, ड्राइवर का बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, औकात उसकी छोटी ही रहती है। माफी दे दीजिए हुकुम, फिर ऐसी गलती ना होगी। बाबा आप क्या कर रहे हैं? बाबा तन्ने बेबी को ले जाने के लिए कहा था ना, क्या उन्हें देरी हो रही होगी? ड्राइवर का बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, औकात उसकी छोटी ही रहती। अनी, कांट यू सी दैट आई एम ड्राइविंग? कम ऑन यार अनी, पूरे रास्ते तुम ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए हो। प्लीज छोड़ो ना गुस्सा, क्या मिलेगा गुस्से से? अनी स्टॉप द कार, अनी स्टॉप द कार, आई सेड स्टॉप द कार। अनी
अरे स्टॉप स्टॉप अरे स्टॉप स्टॉप पापा की बहुत पुरानी आदत है ये, वो सिर्फ तुम्हें नहीं सबको ऐसे हर्ट करते हैं। और तुम प्लीज प्लीज श्याम अंकल से कहना कि आज के बाद उनके सामने हाथ ना जोड़े, इससे उनकी ईगो और बूस्ट अप होती है। तुम्हें मेरे मेरे बाबा की फिक्र क्यों हो रही? तुम भी तो मेरी मॉम की फिक्र करते हो ना। चलो अब घर चले। बात बोलू? नहीं। अच्छा बोलो। पता है नहीं, जब भी तुम मेरे साथ होते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। पता नहीं तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? क्या होता? मेरी जगह तुम यही बात किसी और लड़की को कह रही होती। What? Shut up! कल का प्लान मत भूलना हाँ, शार्प 8 o'clock मेरे घर पे। ओके ओके बाबा, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट ऐसे बोलते हैं? गुड नाइट तो फिर कैसे बोलते हैं? आस्था बता दे। हाथों में हाथ डाल के, अच्छा नोजी से नोजी टच करके। क्या कर रही हो तुम? किसी ने देख लिया तो? इस वक्त रात को 1 बजे कौन देखेगा? टुप्पिन भगवान ने यो बदकिस्मती हमारी। मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब ये नहीं कि कभी हाथ उठाऊंगा भी नहीं। रे पावड़े, बड़े लोगन की ना दोस्ती अच्छी होवे ना दुश्मनी, भूल जा ये प्यार व्यार। इम्पॉसिबल, मैं खुद को भूल सकती हूँ, अनिरुद्ध को नहीं। अरे कम से कम इतना तो सोच की तू। बाबा बाबा, प्यार सोच समझ के कहा किया जाता है बाबा, प्यार तो बस हो जाता है। बाबा मैं चाह कर भी वृंदा के बिना नहीं रह पाऊंगा। लाना होगा। ओके, लेकिन एक कंडीशन है मेरी, आपको मुझे न्यू कार लेके देनी पड़ेगी। प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस, लेकिन आज के बाद दोबारा तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। Na 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 na.
वैसे इतना मीन तो कोई नहीं होता यार। तुमने कार के लिए मुझे छोड़ने का प्रॉमिस कर दिया। माय डियर अनी, प्रॉमिसेस इसलिए तो किए जाते हैं ताकि उन्हें तोड़ा जा सके। ओह माय गॉड अनी, एक बात बोलूं? नहीं नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से ना मेरा हर ड्रीम पूरा हुआ है, और ये भी। I love you too. वृंदा बेटे। यस डैड। पढ़ाई हो रही है बेटा? या डैड। गुड। अच्छा बेटा, मैंने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है, एक घंटे में डिनर पर आते होंगे, तो तुम भी नीचे आ जाना डिनर पर। ओके डैड, सी यू। अच्छे से तैयार होकर आना बेटे। ओके, ऑलराइट। तो घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। चलिए, वेरी गुड, बी कंफर्टेबल वृंदा। अरे लो, आ गई वृंदा। मिस्टर रावत, माय वाइफ और मेरी बेटी वृंदा। हेलो। हेलो बेटा। और वृंदा, ये है मिस्टर रावत, मिसेस रावत और इनका इकलौता बेटा विशाल। हाय। हाय। बाप हूं मैं तुम्हारा बेटी, और मैं भी आप ही की बेटी हूँ। विशाल बेटे, तुम लोग कुछ बात बात करो। एग्जैक्टली अंकल, मैं भी यही सोच रही थी। चलो ना, चलते हैं मेरे रूम में, करते हैं कुछ बात बात। कैरी ऑन। राठौड़ साहब, आपकी बेटी कॉन्फिडेंट है? जी, जरूरत से ज्यादा। नीचे हमारे पेरेंट्स हमारी शादी की बात कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ पर ऐसे। बट यू सी, मैं अपने फोन में बिजी हूँ। पूछोगे नहीं किसको मैसेज कर रही हूँ? किसे? मेरे बॉयफ्रेंड को। आई एम श्योर सुन के तुमको थोड़ा बुरा लगा होगा, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी के पहले तो सबके साथ ये सीन जरूर होता है। इनफैक्ट मेरी भी दो तीन गर्लफ्रेंड्स थी, एंड आई एम श्योर शादी के बाद तुम उसे भूल जाओगी। और इम्पॉसिबल, उसके जैसे हॉट हैंडसम सिज़लिंग लड़के को बुला रहा ना, किसी भी लड़की के लिए इम्पॉसिबल है। एंड बाय द वे, इफ आई टेल यू दैट आई एम नॉट अ वर्जिन, देन ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस लड़की का राठौड़ अंकल जैसा स्ट्रिक्ट फादर हो और वो ऐसे उल्टी सीधी हरकत करे, हो ही नहीं सकता। जितना स्ट्रिक्ट होगा लड़की का पापा, उतना ही पड़ेगा पंगा लफड़ा और स्याही। ऐसे मिलते हैं हम। एवरीवन, पापा। अरे छोड़ो ना मम्मा, कितना ऑयल लगा रहे हो आप। अरे वो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा बारात कितने बजे पहुंचेगी? ठीक। ओके जी। किसकी शादी की प्रिपरेशन हो रही पापा? ओ, मैं तुम लोगों को बताना ही आ रहा था कि इस फ्राइडे को शेखावत साहब के इकलौते बेटे विवेक की शादी है।
तुमसे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? मेरे बचपन के दोस्त शेखावत के बेटे विवेक तुझे और तेरी बदतमीजी को अच्छे तरीके से टैकल करना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा इस बात की खुशी तुझे कल होगी जब तू ये रियलाइज करेगी कि लाइफ में प्यार नहीं, सोसाइटी, स्टेटस और क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होता है। डैड अनिरुद्ध भी इंजीनियर है और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एंड मैं भी जॉब करूंगी। डैड व्हाट? क्या बना रहे हैं मेरे बाबा? आपने नौकरी से निकलवा के ठंडक पड़ गई ना तारे कलेजे में? टेंशन क्यों लेते हैं बाबा, मैं हूं ना, आप देखना कुछ ही दिनों में मेरा प्रमोशन होगा और फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक कर दोगे तो पहले ये ठीक करो। इस कानूनी नोटिस के जरिए सहायक इंजीनियर श्री अनिरुद्ध वर्मा के पिता श्री श्याम वर्मा को सूचित किया जाता है कि उन्होंने अपना काम ठीक से ना करने की वजह से आरके स्टील से निकाला जाए। अरे आप लोग ऐसे क्यों बैठे, मेहंदी लगाइए ना। गीता इसके हाथ में वी जरूर लिखता, इसके होने वाले पति का नाम विवेक है ना? लिख लिया मॉम। दिखाओ। मेहंदी लग रही ना, आप नहीं लगवा रहे हो? मैं लगाती हूँ, पहले तू लगा। एकदम ध्यान रहे, कड़ी निगरानी होनी चाहिए, कोई अनजान आदमी अंदर आने ना पाए, खास करके वो लड़का, अगर वो कहीं दिखे उसे छोड़ना मत, समझ गए ना? आप चिंता ना करें हुकुम, अगर वो लड़का आपके बंगले के आजू बाजू भी दिखाना, हड्डी पसली तोड़ देनी हमको, विश्वास रखिए आप। ठीक। अरे ये सामान अभी बाहर पड़ा है, अंदर भेजिए ना जल्दी। ठीक है ए, चल अंदर चल, कब से सामान रखा हुआ है अंदर, चल अंदर। भाई साहब, अरे शर्ट वाले भाई साहब, हाँ हाँ आप ही से कह रहा हूँ, इधर आइए। अरे फूल वाले भैया, ये फूल यहाँ रखवा दीजिए, जल्दी आइए। हाँ ठीक से रखिएगा, और भी बोले थे, और भी लेके आइए जल्दी। मॉम सुनो ना, मैं दो मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही है? ऊपर से आ रही हूँ, बस दो मिनट में। ओके बहुत क्वेश्चंस करते हो। मेहंदी लगवानी है गीता, तब तक मॉम को मेहंदी लगाओ ना। ओके लड़की ना, आओ भाई गीता मेहंदी लगाओ मुझे भी। अनी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई अनी, अगर सच में फ्राइडे को डैड ने मेरी शादी विवेक से कर दी तो। नहीं ना प्लीज, हम भाग चलें। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारा बाप इस दुनिया का सबसे कमीना आदमी है। How dare you say that? उसको तो मैं बताऊंगा, मेरे बाबा को नौकरी से निकाला, मेरी भी नौकरी छीन ली, ब्लडी चीपस्टर। वृंदा शट अप अनिरुद्ध। पापा सिक्योरिटी, पापा सिक्योरिटी को भेजो, जल्दी 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 ऊपर। वृंदा पापा, पापा आई हेट हिम, पापा आई हेट हिम, पापा इसने आपके बारे में बहुत बुरा बोला है। पापा इसको बोलो यहाँ से चला जाए अभी के अभी। चलेगी ना यहाँ से? मुझे ना आपकी बात बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी, ये हमारे लायक ही नहीं है। इसको बोलो यहाँ से चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, एंड यहाँ पे विवेक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। Go, get lost! इसे मार के बाहर निकालो। बाहर यहां से।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगा तू अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती है, पर ये सब मॉम उसने पापा की इंसल्ट की थी जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। और वैसे भी अनिरुद्ध और मेरा कोई मैच नहीं है। कहाँ हम लोग, कहाँ वो लोग। देख वृंदा तू कोई ड्रामा तो नहीं कर रही है ना, तू कुछ करने का तो नहीं सोच रही ना। कम ऑन मॉम, ऑल विल बी वेल। मॉम थैंक यू। थैंक यू किस लिए? क्योंकि मैं जा रही हूँ ना। जा रही हूँ? मॉम शादी करके हमेशा के लिए जा रही हूँ ना आपसे दूर। ओके। विंदा बेटा, बेटा कहाँ हो तुम लोग? सब लोग ढूंढ रहे हैं, बारात आने वाली है। तुम क्या कर रही हो? ये गहने उतारो और चलो, वी गेटिंग लेट यार। बट हम लोग जाएंगे कैसे नीचे? सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। रिलैक्स, आई हैव अ प्लान। तुम बस चलो। एक सेकंड, चेंज तो कर लूं। तुम क्या यहीं पे खड़े रहकर मुझे देखोगे? वेट कर रहा हूं बालकनी में। माला, माला, तुमने विंदा को देखा? विंदा को देखा कहीं? तो बाहर जाके ढूंढो, बाहर जाके ढूंढिए। आपने विंदा को देखा कभी? नहीं, अभी यहीं पर थी, जरा बाहर देखिए, आप उधर देखिए। उधर देखिए, पीछे पीछे। कहा था ना मैंने, प्लान वर्क करेगा। आनी सब गड़बड़ हो गया। आनी अगर सच में फ्राइडे को डैड ने मेरी शादी विवेक से कर दी तो? नहीं ना प्लीज, हम भाग चलें। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कुछ खाया तुमने? मेरा तो ना तुमको खाने का मन। अच्छा, खाओ क्या? तो फिर ये गोपाल की कचौड़ियां कौन खाएगा? अनी थैंक यू। यार इस दुनिया में दो ही चीजों से तो प्यार है मुझे, एक तुम और एक गोपाल की कचौड़ी। और मैं तुम दोनों के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि तुम्हें मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता, समझी? वैसे तुम्हारे डैड ने लव लेटर भेजा मेरे लिए। मतलब? क्रैप। डोंट वरी, जॉब्स तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारी और विवेक की शादी रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में क्या कब फ्राइडे के बाद सोचोगे तुम? हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं इस फ्राइडे। What? Annie, I love you. पर हम भाग के जाएंगे कैसे? एक प्लान तो है, पर थोड़ा रिस्की। No risk, no gain. तुम प्लान बोलो बस। तो फिर ठीक है, तुम्हें अपने डैड से कहना होगा कि तुम विवेक से शादी करने को तैयार। Are you crazy? सिर्फ कहना है पागल, शादी नहीं करनी। फिर ये दिल वाला तुम्हारी और विवेक की शादी वाले दिन इस दुल्हनिया को ले जाएगा। और ये दुल्हनिया ले जाएगी डैड का सारा कैश और ज्वेलरी। नो थैंक्स, ये सब करने की कोई जरूरत। अब चले मैडम। कहीं नहीं गई होगी वृंदा, यही होगी, आ जाएगी अभी। अब रोइए मत,
हुआ क्या? Nothing. I just wanted to hug you. You know, हमारे पीछे कोई भी नहीं है, डैड भी नहीं. I know. लेकिन तुम्हारे डैड का आशीर्वाद मिल जाता तो शायद बेटर होता. वो तो मिल गया है ना. कैसे? बड़ी है अजब कैसी है तलब है ये आशिकी, जिद्दी बड़ी बड़ी सरफिरी है ये आशिकी. होता है यूं इसका असर दुनिया जहां की ना खबर, मजहब यही खुदा यही है बाबरी. ये आशिक बड़ी है अजब कैसी ये तलब है ये आशिकी, जिद्दी बड़ी बड़ी सर फिरी है ये आशिकी. होता है यूं इसका असर दुनिया जहां की ना खबर, मजहब यही खुदा यही है बावरी. ये आशिकी ये आशिकी, ये आशिकी, ये आशिकी.